अयोध्या दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, सीएम केजरीवाल ने किए रामलला के दर्शन, यूपी को लेकर किया बड़ा ऐलान। अखिलेश ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा चिकित्सा विश्वविद्यालय को नहीं किया गया क्रियाशील। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखकर की इच्छा मृत्यु का आदेश देने की मांग। बलरामपुर में ग्राम पंचायत सदस्यों ने लगाए ग्राम पंचायत अधिकारी पर गंभीर आरोप, जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र, दोषी अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हैं। आपको बता दें केजरीवाल ने हनुमान गढ़ी और रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान भी किया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त में दर्शन कराएंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं चाहता हूँ कि हर भारतवासी को ये सौभाग्य मिले। केजरीवाल ने कहा कि हम दो काम करने वाले हैं, पहला हम दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चला रहे हैं, इसके तहत लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाती है। कल सुबह दिल्ली कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है और ऐसे में बैठक में हम अयोध्या को भी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल करेंगे। अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि के भी मुफ्त दर्शन कर सकेंगे। वहीं अगर यूपी में हमारी सरकार बनी तो हम सभी प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त दर्शन भी कराएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में पराजय की आशंका की वजह से बीजेपी जगह जगह लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किए जाने के सवाल पर कहा कि अब चुनाव बेहद नजदीक है और जनता बीजेपी को हराने जा रही है, इसीलिए इस पार्टी की सरकार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश में मौजूद मेडिकल कॉलेजों को बजट नहीं दिया जा रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बन रहे उस चिकित्सा विश्वविद्यालय को अभी तक क्रियाशील नहीं किया गया जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा से हवाई जहाज में हुई मुलाकात को लेकर जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि अब अगली बार कोशिश करेंगे कि मास्क लगा कर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि आखिर सहारनपुर, बदायूं, आगरा, कानपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बांदा और आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेजों, यहाँ तक कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकार की तरफ से धन क्यों नहीं दिया जा रहा है, जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन बेड, दवा और इलाज की जरूरत थी तब ये सरकार कहाँ थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त सरकार ने लोगों को अनाथ छोड़ दिया था। बाराबंकी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव गांव के बाहर पार्क में पेड़ के सहारे रस्सी से लटका मिला। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही शव पोस्टमार्टम के से वापस आने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई न होने से गुस्साए लोगों ने बाराबंकी जैतपुर मार्ग पर शव रख कर जाम लगा दिया। जाम के दौरान परिजन और ग्रामीण तहरीर में नामजद किए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को खोला गया, तब जाकर यातायात सुचारू हो सका। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर परिजनों ने युवक का शव रखकर जाम लगा दिया। आपको बता दें संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई थी जिससे गुस्साए परिजनों ने और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और ऐसे में मौके पर जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने परिजनों को, ग्रामीणों को खूब समझाया बुझाया और जाम को खुलवा दिया। आप ही के गांव के रहने वाले थे, कोई विवाद चल रहा था क्या उनसे? के चल के इनका विवाद हो रहा था। अप्रैल की बात है, लड़ाई हुई थी इधर, इन्होंने हमारे ऊपर एसटी मुकदमा बलात्कार दुनिया भर की चीज लिखा।
मऊ में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के लोगों ने अपनी कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। संगठन के लोगों की तरफ से 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया था, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री के साथ बातचीत भी हुई थी कि इनकी मांगों को मान लिया जाए, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं होने पर एक बार फिर से कार्य बहिष्कार कर दिया गया। इनकी सरकार से प्रमुख मांगे हैं कि 24 घंटे काम करते हैं लेकिन हम लोगों को संसाधन नहीं मिल पाता है, जिससे सप्लाई को चला पाना कठिन हो गया है। हम लोगों को का ग्रेड के हिसाब से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कोरोना काल के दौरान हमारे साथी की जान चली गई, जिसके लिए उनको 50 लाख का अनुदान मिलना था जो अभी तक नहीं मिला। ऐसी बहुत सी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जो 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया था उसके संदर्भ में जो है 7 सितंबर से हम लोग का आंदोलन चल रहा था, जिसके बीच में क्रम में कई वार्ताएँ भी हुई और 14 तारीख को ऊर्जा मंत्री जी के आश्वासन पर 10 दिन तक के लिए स्थगित हुआ था। उसके बाद फिर भी न्याय ना होने के कारण हम लोग आज 25 तारीख से 3 से 5 जो है कार्य बहिष्कार है, जहाँ का विरोध सभा है। उसके बाद 26 तारीख को 3 से 5 से 27 तारीख को दिन भर का कार्य बहिष्कार है और 28 तारीख को भी दिन भर का कार्य बहिष्कार है और शाम को 5 बजे मशाल जुलूस का कार्यक्रम है और 29 तारीख से हम लोगों का जेल भरो आंदोलन का आरंभ है। बिहार में पुलिस पर हमले की खबर अब आम बात हो चुकी है। धीरे धीरे पुलिस का खौफ लोगों से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां एक बार फिर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान दो प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं घटना की सूचना हथौड़ी थाना की पुलिस को मिली, जिसके बाद मामले को सुलझाने के लिए गई पुलिस टीम पर ही उपद्रवियों ने हमला कर दिया और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। मामले में आपको बता दें, हमले के दौरान 6 पुलिसकर्मी पूरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पाली में पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देश और सोजत सर्कल उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी थाना पुलिस ने करमाल नाका चौराहे पर देवगढ़ से आ रही कार रुकवाने और कार की तलाशी में कार से 35 किलो डोजा बरामद किया है। थानाधिकारी हमीर सिंह की तरफ से जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से तस्करों से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि और तस्करी के खुलासे के आसार बन सकेंगे। तो आपको बता दें, पाली का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, साथ ही दोनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है और ऐसे में हो सकता है कि पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे और कर सकें और इनके साथ कौन कौन शामिल था, किस तरह से ये तस्करी करते थे, इस बात का भी खुलासा हो सकता है। सांगौत थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर एक युवक ने बुजुर्ग के सर पर फावड़े से वार कर हत्या कर दी। मृतक राजगढ़ में किराने की दुकान लगाता था, जो दुकान में सफाई कर रहा था। दुकान से डस्ट और थैलियां उड़कर सड़क पर गिर गईं। इसी दौरान एक युवक वहां से गुजर रहा था, दोनों में कहासुनी हुई। युवक वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद युवक फावड़ा लेकर वहां पर पहुंच गया और बुजुर्ग के सर पर हमला कर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो सांगौत का पूरा मामला है जहां पर बुजुर्ग की युवक ने हत्या कर दी। आपको बता दें, दोनों में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद तब तो युवक वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद फावड़ा लेकर युवक बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचा और फावड़े से उसके सर पर हमला कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पंत नगर सिडकुल में स्थित सीईटीपी प्लांट के टैंक में डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीईटीपी प्लांट में गड़बड़ी आने के चलते जब हरिपाल मोटर ठीक करने के लिए टैंक में उतरा तभी वो बेहोश हो गया, जिसके बाद हरिपाल को बचाने के लिए प्लांट हेड रमन भी टैंक में उतरा लेकिन वो भी बेहोश होकर पानी के टैंक में गिर गया, जिसके बाद तीसरा कर्मचारी अवदेश भी इन दोनों लोगों को बचाने के लिए गया वो भी टैंक में गिर गया, जिसके बाद तीनों लोगों की पानी में डूब कर मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद आनन फानन में पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू कर बड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो उधम सिंह नगर का पूरा मामला है, जहां पर सीईटीपी प्लांट के टैंक में गिरने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें तीनों टैंक में उतरे थे, ऐसे में एक के बाद एक तीनों टैंक में उतरे थे और जिसकी वजह से टैंक में तीनों की डूबने से मौत हो गई है। बताया हमें वो ऐसा ही कि एक आदमी उनमें से पहले सफाई करने के लिए गया था, फिर जब उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तब यहाँ के जो प्लांट हेड थे जो हैदराबाद के थे वो वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँचे हैं, और जब फिर वो नहीं निकले हैं तो तीसरे व्यक्ति को उन्होंने भेजा गया। फिर उसके बाद में एक चौथा व्यक्ति और गया था विजेंद्र नाम का, तो उसको बेहोशता हो गया तो उन्होंने ऊपर खींचा उसको और उसको फिर हॉस्पिटल रेफर कर लिया। तीन डेड बॉडीज जो हैं इनको भी हम हॉस्पिटल के लिए भेज देंगे। शाहजहाँपुर थाना जलालाबाद के प्रताप नगर निवासी मनोज का हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र में ससुराल है, जहां पर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काफ़ी दिनों से रह रहा था। सोमवार की रात में मनोज की चाकू और धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन करने में जुट गई है। वहीं मृतक की पत्नी की ओर से पुलिस की तहरीर दे दी गई है, जिसमें मृतक के बड़े भाई समेत तीन लोगों को नामजद किया गया है। तो हरदोई का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था ससुराल में, जहाँ पर धारदार हथियार से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे में मृतक के पत्नी ने पुलिस को तहरीर दी है, और आपको बता दें कि तहरीर में के आधार पर अब भाई समेत तीन लोगों को नामजद किया गया है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मनोज पटवा नाम के करीब 40 वर्षीय व्यक्ति अपने ही घर में अपने ही कमरे में मृत अवस्था में पड़े हैं। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस टीम यहां मौके पहुंची, फील्ड यूनिट ने जांच पड़ताल किया, पाया गया कि उनके शरीर पर धारदार हथियार से वार हैं और गनशॉट इंजरी भी प्रतीत हो रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि स्पष्ट कारण पता चल सके। परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है, इनके द्वारा शंका जताई जा रही है कि इनकी जो रंजिश है मृतक के सगे भाई से रंजिश भी थी। एक हम लोगों ने चंदौसी और दिल्ली बेस जो है एक गैंग हम लोगों ने वर्कआउट करा है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम कम कराने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू जो है कॉल करके फ्रॉड करते थे। लगभग पिछले 3 साल से अधिक समय से ये इस अपराध को कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों को टारगेट इन्होंने विक्टिम बनाया है। सर अभी तक कितने का जो फ्रॉड आया है, कितने का सामने आया, और ये लोग जो जितने भी पकड़े गए इनका जो बेस है ये कहाँ के लोग हैं? अभी तक की जानकारी के सर तीन लोग हम लोगों ने जो अरेस्ट करे हैं वो चंदौसी और दिल्ली बेस्ड हैं। लगभग 3 करोड़ का अब तक इन्होंने जो है फाइनेंशियल फ्रॉड लोगों के साथ करा है और 1000 से ज़्यादा लोगों को टारगेट करा है।
लखीमपुर खीरी के तराई इलाके में आई बाढ़ के बाद तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की मदद का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी कड़ी में गुरुद्वारे के सेवादार भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। पलिया तहसील क्षेत्र के बालपुर में स्थित ईश्वर गुरुद्वारे में बाबा रणजीत सिंह और संत बाबा बलकार सिंह की तरफ से बाढ़ पीड़ितों लोगों को 25-25 किलो धान निःशुल्क वितरित किया गया। जैसे ही लोगों को गुरुद्वारे की तरफ से धान बांटे जाने की सूचना मिली, सैकड़ों लोग गुरुद्वारे की ओर दौड़ पड़े। गुरुद्वारे के सेवादारों ने बताया कि कृष्णनगर, बालपुर, सिंघाई, खुर्द और बिहारी कॉलोनी आदि गाँव के सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों परिवारों को 25-25 किलो के हिसाब से धान वितरित किए गए। इस मौके पर ग्राम प्रधान अब्दुल रहीम, राम सिंह और सहित तमाम सेवादार वहां पर मौजूद रहे। तो ऐसे में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गुरुद्वारे की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले हुई बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में स्थिति काफ़ी बेकार हो गई थी। ऐसे में किसान तो परेशान थे ही, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों के घर भी बर्बाद हो गए थे, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया था, जिसके बाद कई सामाजिक संगठन इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में गुरुद्वारे की तरफ से भी मदद की गई, गुरुद्वारे के सेवादारों ने मदद की। और ये तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में वहाँ पर महिलाएँ धान लेने के लिए पहुँची और 25-25 किलो धान लोगों को दिया गया। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन के सीनियर बुकिंग क्लर्क के घर चोरी हो गई। मोहम्मद इम्तियाज के रेलवे कॉलोनी स्थित आवास में चोर ने दीवार तोड़कर हजारों रुपए का सामान चुरा लिया। चोर की तरफ से चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान आवाज़ सुनकर पड़ोसी जग गए और चोर गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि छुट्टी पर घर के सभी लोग गांव गए थे। घर को सूना पाकर चोर की तरफ से ईंट की दीवार तोड़कर घर के अंदर चोर चले गए और चोरों ने बैग में रखे जेवरात, पैसा समेत अन्य सामान भी चोरी कर ली। फिलहाल रेलवे थाना पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो मधुबनी का ये पूरा मामला है जहां पर सीनियर बुकिंग क्लर्क के घर पर ये चोरी हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया और घर का पूरा सामान इधर से उधर कर वहां से फरार हो गए। हालांकि एक चोर को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले भी कर दिया है। बाहर में थे, हुजूम बना हुआ, पूछे तो पता चला कि चोर पकड़ा गया और जीआरपी के हवाले कर दिया गया। क्या सामान से चोरी हुआ? ये सामान हुई है, एक इलेक्ट्रॉनिक हेयर कटिंग मशीन है, उसके साथ चार्जर है और बच्चे का गुल्ली जिसमें पैसा रखे हुए थे वो। पीलीभीत में कुछ दिन पहले हुई लगातार बारिश और बारिश से हुई तबाही के चलते जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कार्य टीमों की तरफ से क्षेत्र में भेजकर आंकलन किया जा रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी मंडियों में किसानों की तरफ से धान सेंटरों पर धान तौल को लेकर निरीक्षण भी किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। लगातार बारिश से किसानों की कमर टूट चुकी है और किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी में दर दर भटकना पड़ रहा है। एक किसान मंडी समिति पूरनपुर में RFC प्रथम पर धान बेचने गया था। वहां सेंटर प्रभारी राम कैलाश सोनकर ने किसान के धान को मानक के अंतर्गत ना होना बताया और किसान के प्रति क्विंटल 150 रुपये की रिश्वत मांगी। वहीं किसानों ने 8,000 रुपये, 500 रुपये के नोटों की फोटो स्टेट कराकर धान सेंटर इंचार्ज को दिए। इंचार्ज ने रुपये किसान से लेकर जेब में रख लिए और धान तोलना शुरू कर दिया। वहीं तत्काल किसान नेताओं और पुलिसकर्मियों ने उनको रंगे हाथों रिश्वत के रुपये सहित पकड़ लिया और मामले की लिखित शिकायत कोतवाली पूरनपुर में दे दी गई है। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आरएफसी के फर्स्ट के अंतर एक किसान रिश्वत देते हुए एसोसिएशन पकड़ा गया, क्या मामला था? ये जानकारी अभी मैं मंडी में आया तो उसके बाद मेरे संज्ञान में लाई गई है। इसमें जो व्यक्ति है, इसमें जिम्मेदार हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और एक जांच समिति एडिशनल SP और ADM साहब के अंतर्गत बैठाई गई है जो उसकी फर्दर तफ्तीश। यहाँ पे जैसे मैं सुबह धान लेके आया तो मेरे धान का कुछ 1.5 क्विंटल डस्टर लगा के तो इन लोगों ने मानक के लिए धान थोड़ा सा लिया। पहले मॉचर चेक किया गया, उसका मॉचर आया 14.7। बोले मॉचर ठीक है, अब हम इसको मानक में देखते हैं मानक में है कि नहीं।
तो इन लोगों ने थोड़ा चेक किया, चेक करने के बाद बोले कि ये धान मानक में नहीं है, हम इसे नहीं तोलेंगे। तो हमने कहा भाई मजबूरी है तो लो, आप लोग क्या हम कहाँ लेके जाएंगे इसको। तो बोले नहीं मानक में नहीं है। तो मैंने कहा मानक में कैसे आएगा, तो मुझे पकड़ के थोड़ी दूर ले गए, बोले बताते हैं कैसे मानक में आएगा। बोले कि ऐसा करो 150 रुपये कुंटल के दो फिर मानक में आएगा जी। तो मैंने कहा भाई मैं 150 रुपये तो मैं नहीं दूंगा। बोले चलो तुम्हारा धान कुछ सही है, आप 100 रुपये दे दो। सर मामला ये है कि हमारा एक काश्तकार भाई यहाँ धान लेके आया था, उसका धान मानक में ना होने का बहाना लगा के रिजेक्ट किया जा रहा था और उसी के लिए इन्होंने रिश्वत मांगी थी। तो भाई ने क्या किया कि पर्दाफाश करने के लिए रिश्वत जो नोट दे रहा था उसका फोटोस्टेट कॉपी करवा लिया और वो नोट दिए। उसके बाद जब पुलिस को बुला के और सब लोगों के बीच में उसकी जेब में से नोट निकाले, सेम मैच हो गए। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में 4 महीने पहले मात्र 400 रुपये के लिए भोला प्रजापति नामक एक शख्स की हत्या हुई थी। आरोप है कि उसे हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक के बेटे इंद्र कुमार जब सासाराम के SDPO विनोद कुमार रावत से मिलने पहुंचे तो उस दौरान SDPO ने पीड़ित के साथ मारपीट की। मृतक के बेटे इंद्र कुमार ने बताया कि अपने पिता के हत्यारों के संबंध में जब वो थाने में जानकारी लेने गया तो उसे SDPO के यहाँ जाने के लिए कहा गया। इसीलिए वो जब SDPO के यहाँ गया तो SDPO की तरफ से फिर थाने में जाने की बात कही जा रही है। उनके पिता की हत्या के 4 महीने बीत गए लेकिन अभी भी कई अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जिस मामले पर बातचीत करने के लिए इंद्र पहुंचा तो आरोप है कि SDPO विनोद कुमार रावत भड़क गए और मृतक के बेटे के साथ मारपीट की। ऐसे में SDPO विनोद कुमार रावत का कहना है कि मृतक का बेटा उनके पास आया था और बेहद आपत्तिजनक व्यवहार कर रहा था, जिस वजह से उन्होंने अपने बॉडीगार्ड के जरिए बाहर उसे करवा दिया। उन्होंने मारपीट के आरोप से इनकार कर दिया है। घटना हुआ है कि सर हम हमारे पिताजी का 4 महीने पहले मर्डर हो गया और मर्डर के क्रम में हम DSP के साहब के पास आए थे तो वो बोले कि पूछे कि सर हमारा मर्डर केस में क्या हुआ, अभी तक धरपकड़ नहीं हो रहा है। तो बोले कि ऐसा है कि तू जाओ थाने पर। थाने पर की बात हुई तो मैंने थाने पर बोले कि सर थाने पर गए थे, थाने वाले बोल रहे हैं कि जाओ DSP पास, और DSP के पास आए हैं तो आप कह रहे हैं कि उधर जाओ है? तो सर क्या होगा, हमारा पूछे कि सुपरविजन का सर क्या हुआ। तो बोले कि तू हमारा मालिक है, उसी पर उठ के हमको दो चार तबड़ाक मार दिए थे। क्या नाम था आपके पिताजी का? हमारे पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रसाद और भोला प्रजापति। कब की घटना है? 27/6 का सर, 27/6/2021 को। पुलिस अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। ऐसा है कि ये व्यक्ति हैं जो करगहर के किसी मर्डर केस में आए थे तो वो आते ही बोलते हैं सर गिरफ्तारी आप क्यों नहीं करते। हमने कहा कि भाई साहब पहले तो ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और किस केस में गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, और आप कह रहे हैं हमको गिरफ्तार करने के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि SDPO गिरफ्तार नहीं करते हैं, वो आप लोकल थाना प्रभारी जो संबंधित थाना प्रभारी उनको आदेश या उनको निर्देश दिया जाता है। तो आप किस थाना से आए भाई साहब, पहले तो बताइए। करगहर से आए तो किस में कहाँ का मुद्दा है? तो मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि बहनी का है। हम कहे ठीक है, हम बोल देते हैं बड़ाओं को, जो बड़ा हो गिरफ्तार करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। नहीं सर बड़ा हमको आदेश देकर बोल भेजे हैं कि आप SDPO से DSP से जाके मिलिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।